बिल्कुल बेटा, बहुत सारा पुता हुआ भी नहीं अच्छा लगता अगर हम फाउंडेशन या पाउडर लगाते हैं, बस उतना लगाते हैं कि फेस अच्छा लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। जैसे आपसे आज हमने बात करी थी कि हम अपना जो टेक्सचर आर्ट था, लास्ट हमने वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर आर्ट दिखाए थे, आज उनको ड्राई होने के बाद उनकी कलरिंग और उनकी लुक कैसी आती है वो हम दिखाने जा रहे हैं। सो नाउ अनीता मैम इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये हेलो फ्रेंड्स, ये माय स्टूडेंट है वंदना, इनका वर्क चल रहा है, शी इज लर्निंग फ्यूजन एंड पर्शियन। सो पर्शियन थोड़ा इनका दूर रखा है, फिर भी मैं दिखाती हूँ, उस तरफ आपको दिख रहा होगा। अभी सेशन के बाद मैं आपको पास से दिखाऊंगी। और आज इनका फ्यूजन पे कलरिंग हो रहा है और नाउ यू कैन वी विल बी स्टार्टिंग अवर लाइव सेशन फॉर टेक्सचर आर्ट कलरिंग क्लास। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, आई एम अनीता। लास्ट टाइम बहुत सारे, मैं हमेशा इसीलिए आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन में डालती हूँ, आप लोग सामने आइए, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सामने से आप पूछिए प्लीज, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या वीडियो वहां से हट जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आप लोग मुझसे बार बार वही चीजें पूछ रहे हैं कि पर्शियन आर्ट की जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तंजोर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कलर मिक्सिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वो सारे वीडियोस, क्योंकि अगर फेविक्रिल पे नीचे चले गए हैं तो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर यहां से हटते भी हैं या नीचे चले गए हैं तो उसके बाद वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा होते हैं। यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से है हमारा और फेसबुक पेज भी एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, तो वहां पर हम से देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिखाए थे वो मैंने, अच्छा ये जो उससे भी पहले वाला एक था, तो जब रेडी हो जाता है तो इस तरह का सब बना था हमारा, इसमें मैंने आपको सिखाया था ये सब कैसे करना है, ये चरण बनाने सिखाए थे, फिर ये गणपति बनाने सिखाए थे, नीचे का टेक्सचर, कलरिंग, सब कुछ। इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो, नेम प्लेट बना सकते हो, आप इसे की होल्डर बना, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। आपका, मेरा जो मेन पर्पस होता है वो आपको एक नेम प्लेट बनाना या वो सब नहीं है, मेरा होता है कि मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो आप अपनी पसंद से कहीं भी यूज करो, ठीक। तो लास्ट टाइम अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने ये सारे टेक्सचर आपको सिखाए थे, ये कलर अभी मत ध्यान देना, वो दोबारा भी करके दिखाऊंगी, लेकिन एक बोर्ड रेडी रखना पड़ता है ताकि आपका टाइम हम बचा सकें। बीच में जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज जरूर पूछ लेना, और अगर पसंद आए तो थम्स अप और हार्ट भी फेंक देना। और बहुत सारे लोग हमारे वीडियो शेयर करते हैं, उनको दिल से थैंक्स कि अच्छा लगता है हमारा काम, हमें लोग पहचानने लगे हैं, सब आप लोगों की वजह से। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमें भेजते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ लोग होते हैं जो हमें देख के पता चल जाता है कि हमारे काम से सीखे, पर कभी उस चीज को मेंशन नहीं करते कि सीखा था, तो थोड़ा सा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग हमारे को इतना प्यार देते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे जो है मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे टेक्सचर, एक ही थ्रेड के साथ दिखाया था, ये बबल रैप के साथ दिखाया था, ये मैंने आपको कॉम्ब के साथ दिखाया था, ये मैंने आपको दिखाया था होम फॉइल के साथ, ये मैंने दिखाया था राइज के साथ, ये था टिश्यू पेपर के साथ, और ये वाला था कार्डबोर्ड के साथ। अब ये सब जब रेडी हो जाएंगे तो इसके बाद वाला मैं स्टेप कर रही हूं। अगर किसी ने ये सारा वीडियो मिस किया है तो अभी भी यूट्यूब पे है, आप जाके वो डिफरेंट टेक्सचर के नाम करके वीडियोस अपलोडेड है, हाँ, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, तो ये पहला स्टेप भी आपको वहीं मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये दो मैंने कलर करके इसलिए रखे ताकि जब तक इन दोनों को कलर करूंगी ये ड्राई होंगे तब तक आप लोगों का टाइम मैं यूज कर पाऊं। तो कलर कैसे किया है इन दोनों को, सिंपल मैंने फैब्रिक कलर लिया है अपना, ये फेविक्रिल का ब्राउन, अगर आप देख पा रहे हैं ये है मेरा बर्नट अंबर, तो ये मैंने ये ब्रिक का सा डिजाइन एक देना है, तो कुछ नहीं किया, हमेशा कभी भी बहुत ज्यादा पानी आप लोग मत लीजिए, अपने ब्रश को सिर्फ पानी के साथ मैंने गीला किया है। नूतन जी हाय, एक्चुअली हमारा कैमरे की पोजीशन यही वाली है, इन केस अगर आपको इन्वर्टेड दिख रहा है तो शायद आपको एक बार अपना चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा फैब्रिक कलर, ये मैंने सिंपल एक ब्रश को गीला किया, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया क्योंकि मुझे अच्छा बहुत पतला नहीं चाहिए इसके ऊपर जो लेयर है, डायरेक्ट मैंने कलर लिया और इसके ऊपर लगाया। कैसे लगाया वो मैं अभी दूसरे में करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह इसके अंदर मैंने नॉर्मल अपना ये ब्लैक जो फैब्रिक रेल का था मेरा कलर वो मैंने लिया है और पूरे पे लगाया है।
ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जो टेक्सचर दूंगी वो अलग अलग तरीके से दूंगी, वो आपको अभी करके दिखाऊंगी, लेकिन कलर कैसे लगाया है एक बार वो भी दिखा देती हूँ। एक चीज इसमें मैंने एक ही बोर्ड में, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड मेरे यूज हो गए थे, एक बोर्ड में मैं ये तीन टेक्निक्स दिखा रही हूँ, ये बबल रैप वाली, ये मेरी थ्रेड वाली और ये मेरी कॉम की। ठीक, थोड़ा सा फोकस करती हूँ इस वाली पे, अगर आप एक बार दोबारा दिखाएंगे तो ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आप कॉम देख सकते हैं, बबल देख सकते हैं, ये रहा कॉम, ये बबल रैप और ये थ्रेड के साथ। ये सब मैंने करके आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप वहां जाओगे कैसे किया था वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक काम और कर सकती हूँ कि आप लोग ने फिर से पूछा था कि शेडिंग करते हुए किस चीज का ध्यान रखें, मैं एक बार दिखाती हूँ जो टेक्निक आपको इस पे करके दिखा रही हूँ, वो चाहे आप एक्रेलिक कलर नॉर्मल कैनवस पे करते हो या आप ऑयल पेंटिंग भी करते हो, तो वो सेम आपको ध्यान रखने की चीज होती है, तो इस पे भी मैं करके दिखाती हूँ। वेलकम रीमा जी एंड टू ऑल अदर व्यूअर्स जो हमें लाइव देख रहे हैं, आई होप ये सारी वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहती हूँ। ये ऐसे छोटे छोटे आर्ट्स होते हैं जो आपकी अपनी आगे वाली आर्ट के लिए हेल्पफुल रहते हैं, बट अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करें हमारे इस आर्ट को और लाइक्स करें, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग अप मेनी गुड थिंग्स इन आर्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कलरिंग। यहाँ मन से साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू शालू जी। यस, दिखाई दे रहा है। ओके, अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ब्रश को सिर्फ पानी के साथ गीला किया है, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, और ये सब आप किसी भी कोई भी पेंटिंग बना रहे हो बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, बहुत कस के नहीं पोंछा है। उसके बाद अगर मैं ये पहले प्लेन ग्रीन कलर ले रही हूँ, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया कलर। इसके बाद मैं इसको ब्रश को साफ नहीं कर रही हूँ, इसी ब्रश से मैंने येलो कलर लिया और जहां ये मेरा खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट कर रही हूं, हल्का सा ऊपर गई, वापस यहां देखिए एक अपने आप शेडिंग जैसे आ रही है। अब जब मैं नीचे जा रही हूं, ऑलरेडी मेरे ब्रश में ये कलर है ग्रीन और मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूं। ये सिर्फ मैं आपको शेडिंग के मारे दिखा रही हूं, कलर आप कोई भी ले सकते। मेरा कैमरा हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, इनके सब प्रॉब्लम आई तो क्या वर्टिकल लगाना है, एक बार मुझे मैसेज पर वर्टिकल लगाएंगे तो वो नीचे तार हो जाएगा, फोकस नहीं दिखेगा। अगर मैं वर्टिकली इसको स्टैंड करूंगी ना तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इस वजह से हॉरिजॉन्टल। अच्छा मानसी, अगर ये चार्ज पूरा तो इसको निकालते हैं। हाँ हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको एक बारी वर्टिकली स्टैंड अप कर लेती हूँ। वर्टिकल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बस रहने का टूट जाएगा। सॉरी गाइस, ये तो इसी फॉर्म में चल पाएगा और फोन का बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आने से पहले हम ये भी ट्राई करते हैं कुछ हो जाए, क्योंकि ये आईपैड ट्राइपॉड पे बस इतना ही आ रहा है। ठीक है चलो, तो ये जो मैं करके दिखा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग शेडिंग समझ पाएंगे, दो कलर की शेडिंग अपने आप में कितनी खूबसूरत आ रही है। यहां मैंने कोई शेडिंग नहीं की है, फ्लैट ब्लैक कलर लिया और फ्लैट ही ये ब्राउन लिया था। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक ही पे मैं अलग अलग कलर दिखा रही हूं सिर्फ। लेकिन आपको जो मैं चीज दिखाना चाहती हूँ थोड़ा डार्क कलर के साथ दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रहा है कोई दूसरा कलर लेती हूँ। ये वाला अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं आराम से। चलिए तो मैं ये जान के आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, मैंने ब्लू कलर लिया है, सब फैब्रिक रिल के कलर हैं। और आप ये देखो कि मैंने इस बार भी कोई भी ब्रश को वॉश नहीं किया, तो जहां आप देख रहे हो ब्लू कलर था, लेकिन जहां भी येलो अपने आप में टच हो रहा है तो एक बहुत सुंदर एक ग्रीनिश सा कलर आ रहा है। येलो को सिर्फ टच कर रही हूं और ब्लू को ज्यादा ले रही हूं और इसी को मैं आगे जा रही हूं।
जब भी आपको लगे कि आपका कलर थोड़ा कम है तो आपको सिर्फ ब्रश को गीला करना है, ज्यादा पानी नहीं लेना। आप इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, कोई और भी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ये सब कलर्स आपके टेक्सचर्स को हाईलाइट करते हैं। ये मैंने सिर्फ एक, आप कुछ सोच समझ के नहीं किया, अगर आप लोग देख पा रहे हो, फेविक्रिल के ही कलर मैंने अभी यहाँ पे लिया है, ये येलो, लेमन येलो और एक ही ब्लू लेके, और वो जैसे ही दोनों मिले तो कहीं कहीं थोड़ी सी टोन जो है मेरी ग्रीन की आई है। ठीक, इसके अलावा एक पे और कलर करते, तब तक आप लोगों को टेक्सचर को लेके या कलर को लेके कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो निधि, आप सब लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन अपने डाउट्स अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो अच्छा होगा, यहीं के यहीं आंसर्स हो जाएंगे उनके। हाँ, थोड़ा सा बाद में देने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि उतना टाइम निकालना पड़ जाता है, लेकिन तब भी हम जरूर रिप्लाई करते हैं, किसी का भी हम छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर अभी आप सामने पूछेंगे तो जो डाउट है वो मैं करके भी दोबारा दिखा दूंगी आपको, कि लास्ट सेशन में टेक्सचर्स करने के बाद काफी लोगों ने पूछे थे फिर अपने डाउट्स, तो इसलिए अच्छा होता है कि आप लाइव में पूछें ताकि देखते हुए आपको भी स्ट्राइक करता है कि आप क्या यूज कर रहे थे। और ये एक सनसेट जैसा कलर है मेरे पास फेविक्रिल का, मैंने सिर्फ वो लिया है और ये देखिए। हेलो अपर्णा, अपर्णा हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है, पुणे से है ये। बहुत ज्यादा कलर को मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा थिक भी मत रखिएगा, नहीं तो उससे क्या होगा, जो आपने नीचे टेक्सचर दिया है ना वो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर फिल हो जाएगा कलर आपका, तो कलर को बहुत थिक नहीं लेना। मिस मित्तल, हमने टेक्सचर मटेरियल्स लास्ट वीडियोस में बताए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे। ये बना रहा है अच्छा, ये वाला मैं फिर से आपको एक बार डार्क कलर के साथ दिखाती हूँ ताकि आपको नजर आएगा, ब्राउन ही हो क्या? और ब्लू भी है, पर्पल भी है, वो है इस वाले पे करके दिखा रहे हो, पर्पल उस पे कर दूंगी। हाँ जी ठीक है, एंड ये सारे टेक्सचर मैंने वहां दिखाए थे। अगर अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये वाले में जैसे अगर मैंने ये दिया था इसके ऊपर कलर किया है, इसमें बहुत डेप्थ नहीं है, पूरा ऊपर ऊपर आ रहा है, तो उसके ऊपर हल्की सी लेयर भी जो कलर की थी ठीक है, लेकिन वो ऊपर बहुत अच्छे से आ गए, नीचे का बेस नहीं देखना चाहिए। ओके, लेकिन अगर यहां देख रहे हो आप जो टेक्सचर, उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे सेम चीज इसमें थी, कलर नीचे बेस तक जाना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, कलर को थोड़ा पतला करना चाहिए ताकि वो नीचे तक जाए, तो आपको सारे कलर को खराब करने की जरूरत नहीं है, आप कैप में कलर निकाल लो। पूजा जी जल्दी हम ग्लास पे भी टेक्सचर और आएंगे, हम लोगों का आएंगे तो डेफिनेटली हाँ, आपकी क्वेरी उस टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। मैं कलर कौन से यूज करने चाहिए ग्लास सब कुछ सब पे? कुछ बहुत, वो भी हम बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। मैं एक काम करूंगी कि ताकि आप लोग वो मटेरियल पहले से रेडी रख लो, जैसे हम इन्फॉर्म करेंगे ऑन टाइम आपको, हाँ, और जो मटेरियल के साथ, हाँ जो हमारा YouTube चैनल है उसके ऊपर, जो अभी हम नेक्स्ट शायद हम ग्लास के कोस्टर्स पे काम करें या ग्लास बॉटल्स पे कुछ नई टेक्निक के साथ आए, तो आपको क्या क्या सामान रेडी रखना है वो मैं पहले से वहां पे डाल दूंगी, तो आप YouTube चैनल पे जाके वहां से सारा मटेरियल आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, आप ये मैं दिखा रही थी, जैसे अगर मैंने यहां किया था, आप देखो कलर अंदर नहीं गया, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा मैंने पतला किया है तो ये कलर अच्छे से अंदर जा रहा है। आप लोगों का कहना होता है कि जब आप बेस में करते हैं ये चीजें, हम छोटी छोटी इसीलिए आपके सामने कर रहे हैं, पहले से रेडी नहीं किया, क्योंकि जो आपकी गलतियां होती हैं ना वो इसी बीच में होती हैं, नीचे का आपका बेस दिखाई दे रहा है वो ना दिखाई दे, उसके लिए क्या करना है, कलर को थोड़ा पतला करना है। तो हर टेक्सचर का डिमांड अलग होता है, अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें नीचे को डेप्थ आ रही है तो आपको उस कलर को पतला करना ही पड़ेगा ताकि आपका जो बेस है वो ना दिखाई दे। अभी इसके बाद हम जो करेंगे उससे आपको पता चलेगा इसको पतला करने का रीजन क्या था, ये देखिए, नहीं तो कलर अंदर तक नहीं जाएगा।
ये दोनों तैयार कर दें ताकि उस पे आपको आगे का काम दिखाएंगे, तब तक ये ड्राई हो जाएगा। इसीलिए दो पे पहले से ही कलर करके हमने रखा था, लेकिन कलर करते हुए क्या ध्यान रखना है वो दिखाना था, इसलिए रोके हुए थे दो बोर्ड्स। तो इस तरह से प्यार से जाते जाइए, लेकिन बहुत थिक करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो डिजाइन आ रहा है उसके बीच में कलर भर जाएगा। मानसी ये बंद कर दे, बाहर से आवाज आ रही है बेटा, कर्टन डाल दे एक बार, थोड़ी सी आवाज दिख जाएगी। गाइस हमने अपना टेक्सचर आर्ट का वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि टेक्सचर बेस कैसे दिया है। ये सारे टेक्सचर का पूरा वीडियो जब हम है हमारा, हाँ, लास्ट टाइम आए थे हमने पूरा ये सिर्फ टेक्सचर सिखाए थे अलग अलग, जो आप अपने हर पेंटिंग में नेम प्लेट में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी मैंने सिर्फ बेस दिया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि नीचे व्हाइट कलर नहीं दिखना चाहिए जो मेरे बेस में है, लेकिन बहुत थिक कलर लेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, इस डिजाइन को फिल कर देगा। ये साफ दिखाई दे रहे मन से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कलर कर रही हूँ, जितने में मेरे जो ड्राई हो गए उसके ऊपर क्या हमें आगे करना है वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इस वाले पे बोलिए कोई अपनी पसंद से कलर जो मैं यहाँ पे कर दूं। आप लोग कलर चॉइस बताएंगे तो हम उसके साथ करेंगे, हम डार्क शेड्स के साथ ही वर्क करें ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ताकि आपको दिखाई दे, बाद में तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डार्क शेड्स के साथ काम करना है। हाँ, वो आप अपनी पेंटिंग, अपने नेम प्लेट या जो भी आप बना रहे हो, म्यूरल बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई दे इसलिए डार्क कलर्स ले रही हूँ। क्या लू मूव ले लू? हाँ जी, या डार्क ब्लू मूव अच्छा लगेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ, डार्क ब्लू भी है। हाँ, ब्लू ले लेती। वही हमेशा की तरह ब्रश को गीला करेंगे और ये ऑरेंज, ऑरेंज हमने थोड़ा सॉरी गीता जी आपका रिप्लाई थोड़ा लेट आया, ठीक है। जिसने भी कहा है वो थोड़ा सा लेट हो गया, पक्का नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी चीज में ऑरेंज कर देंगे, ठीक है। ये बबल रैप टेक्सचर है, आप वहां देखोगे ना कैसे लगाना है, क्या करना है, पूरा वीडियो वहां पे है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे तब हमने टेक्सचर देना ही सिखाया था, आज उससे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम, और ये टाइम आप लोगों का बच जाए इसीलिए हमने दो बोर्ड पहले से ही रेडी करे ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप बता पाए, तब तक ये ड्राई हो जाएंगे। कम ऑन फ्रेंड्स, आप लाइक्स भेजते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि वीडियो जाए। एंड स्वाति जी, फॉर श्योर मैं जैसी इस चीज लाइव सेशन को एंड करूंगी सो आपको ये स्टार्टिंग से वीडियो दिखेगा। हाँ, हाय रीनू जी, ये सारे टेक्सचर्स को मैं डिफरेंट टेक्सचर्स यूज किए थे, इसीलिए मैंने बहुत सारे बोर्ड्स लिए थे ना, भी आपके साथ शेयर किया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है। मैं एक सेकंड के लिए फ्रेंड्स ये फैन के नीचे रख के आती हूँ ताकि ये सूख जाएगा, तब तक मानसी इनका काम और कुछ दिखा देती है, एक सेकंड लगेगा। ये हमारी जो फ्यूजन आर्ट है जो कि पीपल काफी लाइक करते हैं, ये उसी का है वर्क आज यहाँ पे वंदना जी कर रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं हमारी वर्कशॉप का केरला म्यूरल का, वंदना जी थोड़ा सा लुक दिखाएंगे उधर। ये केरला म्यूरल जो आप देख रहे हैं ये हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप में बना था, और नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्लान कर रहे हैं, तो जल्द ही उसका आपको हम ऐड आपके साथ शेयर करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं हमारा मून आर्ट है,
ज्वेलरी आर्ट है जिसका एक रिजल्ट हमने कल आपको दिखाया जो कि अभी रिसेंटली हमारी वर्कशॉप में फिनिश हुआ था। पीछे पर्शियन आर्ट आप देख सकते हैं, देन दिस इज अनदर फ्यूजन आर्ट। और हेलो नूतन जी, आप लोग अपनी क्वेरीज पूछते जाइए ताकि यहाँ पे कुछ भी आपको जो नहीं क्लियर हो रही है चीजें वो हम साथ साथ क्लियर करते जाएं, और आपके साथ साथ औरों का भी भला होता है, उनको भी वो चीजें पता, क्योंकि एक चीज कोई सोच पाता है एक चीज कोई नहीं सोच पाता तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं अभी ये वाला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ये था मेरा होम फॉइल वाला टेक्सचर, ये था हमारा राइज का। ठीक, अब मैं इसके ऊपर बता रही हूँ, जब ये ड्राई हो गया इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे अभी आप लोगों को कलर करना सिखाया वैसे मैंने इस पे ब्लैक फैब्रिक कलर किया। जब ये मेरा हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक आप, ये मेरी सूखी डस्ट है, सिल्वर डस्ट, मैं दिखाती हूँ, दिख रही है मानसी, तो ये है मेरी सिल्वर डस्ट। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, इसको लेके और इसको हल्का सा मैं आपको गीले के साथ करके दिखाती हूँ ताकि आपको नजर आए। ओके, ये मेरे सिल्वर जो अपने कलर आते हैं ना, पर्ल कलर्स, वो है। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां आप लोग गलती करते हैं मैं उस चीज को दिखाती हूँ। ये मेरा अगर है सिल्वर पर्ल कलर्स हैं, ये मेरा सिल्वर कलर है, ये जब मैं कलर ले रही हूं, अगर ब्रॉड ब्रश लिया भी है एक्स्ट्रा कलर को निकाल दीजिए। ठीक है, जब भी आप कर रहे हो काम, ब्रश को 90 डिग्री पे कभी नहीं रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो आपका कलर है वो नीचे बेस तक जाता है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा ऊपर का जो है वो लाइट कलर से दिखाई दे और जो बेस है वो डार्क रहे, तो उसके लिए क्या करना है, इसे 90 डिग्री पे ना रखते हमें इस तरह से लेना है, ब्रश को इस तरह से लेटी हुई फॉर्म में रखना है, इस तरह नहीं रखा, इस तरह से कर रही हूं। तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर उसमें कलर आ रहा है और एक एक चीज हाईलाइट होके आ रही है। सिर्फ मैंने उस दिन आपको राइस के साथ करा था, आप लोग कोई भी चीज ले सकते हो, आप लोग ब्लैक पेपर ले सकते हो, आप लोग कोई भी अपने जो पल्स हैं वो कोई पल्सेस यूज कर सकते हो, कुछ भी कुछ भी। मैंने आपको सूजी के साथ अपने केमिकल फ्लावर्स में काम दिखाया है। हाँ, किसी का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था कि क्या उसको कभी कीड़ा नहीं लग जाता, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसी चीजें जो थी वो मेरी फ्रेम की हुई है और मेरे केमिकल फ्लावर्स मेरे ख्याल से 15 साल पुराने, कम से कम आज तक टचवुड कुछ नहीं हुआ, तो वो ऐसा प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया। अगर एक बार मैंने वार्निश कर दी और अगर मैंने उसके ऊपर ग्लास चढ़ाया है, ये देखिए, तो ये आ गया आपका ब्लैक के ऊपर एक सिल्वर लुक। अभी मैं साथ वाले पे भी कर देती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे डार्क सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों को साफ नजर आए, इसके लिए भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है फिर से दोबारा बताऊंगी। एक बार कर दो, आप लोग अपनी क्वेरीज डालते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ताकि हम उनको आंसर कर सके ऑन टाइम। ये See how beautiful it comes out. इस पे भी आप कुछ कर सकते हो, ये रहा सिल्वर। अभी ये आपके ऊपर है आपको कितना ब्राइट देना है, अगर आप चाहते हो इसको और ब्राइट देना आप और ज्यादा कर सकते हो, तो नीचे का जो है वो ब्लैक दिखाई देगा ऊपर ऊपर सिल्वर आ जाएगा। एक हो गया ये, एक होता है हमारा पोटली वाला इफेक्ट, बबल रैप टेक्सचर मैम आप वीडियोस पे हैं हमारा, वहां पे आप देना कैसे है वो वहां पे है। और इस वाले को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो, ये वाला जो हमने कार्डबोर्ड का बनाया था, ये हमने ब्रिक वाला लुक दिया था, इसके ऊपर मैंने अभी तक जो किया है वो सिंपल नॉर्मल मेरा बर्न्ड अंबर कलर है एक्रेलिक का। इसके बाद अगर आप कहीं, बहुत टाइम बाद आज आपको देखा,
गीतांजलि ने भी कुछ किया था ना? जी, गीतांजलि हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट रह चुके हैं ज्वेलरी आर्ट में। कलर आप कोई भी यूज करो, किसी भी तरह करो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे किस तरह यूज करना है वो सिखा रही हूँ। अच्छा, अगर अब हम ब्रिक वाला काम कर रहे हैं तो मैंने अभी क्या लिया है, बर्न साइना और व्हाइट फैब्रिक कलर, ठीक है। इसके साथ अब आपको क्या चीज याद रखनी है कि इसमें मुझे कलर बहुत कम लेना है, बहुत ज्यादा कलर लेंगे तो फिलिंग जैसा आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बीच में पूछ लेना। ये देखिए, ये मेरा फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश लेके ये जो मेरा बोर्ड वाला पोर्शन है ये सारा टेक्सचर कैसे देना है, फिर से कह रही हूँ जिसने मिस कर दिया वहां देखोगे पूरा बनाते हुए हमने सिखाया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे ये जो मेरा ब्रिक वाली जगह है इस पे मुझे ब्रश को रखना है और उठा देना है। अगर आपको डार्क कलर से अभी नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको कोई ब्राइट कलर से दिखाती हूँ, बाद में कलर आप अपनी पसंद से ले लेना, क्योंकि अभी आपको नजर नहीं आएगा। मैं ऑरेंज कलर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये मैं अभी जो कर रही हूँ वो आपको ऑरेंज कलर से दिखा रही हूँ ताकि आपको नजर आए। थोड़ा सा कलर लेना है फ्लैट ब्रश से और उसको उठा देना है। मैं से एक बार सामने से देख, बेटा साफ दिखाई दे रहा है? ये देखिए, इसके बाद इसकी अपोजिट साइड से आप चाहो तो थोड़ा हम व्हाइट कलर ले लेंगे। एक सेकंड बेटा, मैं देख रही हूँ। ये आप देख रहे हैं जितने छोटे फ्लावर्स है ना उसमें ये वाला कलर कर। हेलो अंजलि जी, कैसे हैं आप? ये है मेरा व्हाइट फैब्रिक, अपोजिट साइड से मैं व्हाइट को दूंगी। See how beautiful it's coming up. कलर ज्यादा मत लेना, नहीं तो एक कलर दूसरे पे। मुझे ये देखिए नीचे बीच में ब्राउन भी दिखना चाहिए, तो एक तरफ से आप ऑरेंज या बर्न साइना ले सकते हैं, लेकिन इतना ही लेना है कि जितना मेरा ये दिखाई दे, और बैकग्राउंड जो है वो डार्क ब्राउन का रहने दीजिएगा। तो कभी भी आप चाहते हो ब्रिक का इफेक्ट देना है तो आप इस तरह से उसके साथ दे सकते हैं। कलर आप अपने पसंद से ले सकते हैं, लेकिन जो वॉल वाला इफेक्ट देना है आपको वो किस तरह देना है वो मैं आपको बता रही थी। एक सेकंड, वो वाला मेरा सूख गया होगा कलर, मैं लेके आता हूँ। अभी करंटली हमारी जो बुकिंग्स ओपन है वो पर्शियन आर्ट के लिए ओपन है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप क्लासेस, देन योर ज्वेलरी आर्ट, देन दिस इज अवर केरला म्यूरल, and then we are taking classes for Tanjore art. आप देख सकते हैं ये सारी ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस हमारी अवेलेबल है। अगर आप किसी के लिए भी एनरोल करना चाहते हैं, बुकिंग्स ओपन है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9582858532। और हमारी बाकी सारी टेक्निक्स के लिए और क्या क्या आर्ट हम सिखाते हैं उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद द नेम AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। सारे लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में, आप लिंक्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला आ गया फ्रेंड्स जो हमने अभी दिया था कलर, ठीक है। कलर आप प्लीज अपनी पसंद से करना, यहाँ मैं जान के
सारे डार्क कलर ले रही हूँ ताकि आपको उस पर वीडियो पे दिखाई दे। अब मानिए जो चीज हम अभी बात कर रहे थे कि एक क्या करेंगे कि कॉटन का नॉर्मल कपड़ा, जैसे कि जो बनियान वगैरह का होता है या प्योर कॉटन, सिंथेटिक मत लीजिएगा, प्योर कॉटन का कपड़ा लिया, उसकी ऐसे एक छोटी सी पोटली बना ली। पोटली बनाने के बाद गीरा हमारा जो अपना गोल्डन लिक्विड आता है, ठीक है, फेविक्रिल का, वो लिया। बहुत सारा कलर नहीं लेना, ये देखिए, इसको हल्के हाथ से, मतलब कलर ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप दोबारा ले सकते हो। इस तरह से ये गोल्डन आ जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है, आप पोटली से नहीं करना चाहते हैं, तो आप ब्रश से ले सकते हैं। ब्रश से करते हुए फिर वही बात ध्यान रखनी है आपको, मैं दिखाती हूँ। और क्या गलती कर जाओगे वो भी दिखाती हूँ, करके दिखाती हूँ एक बार, है ना, तो गलती करोगे नहीं फिर। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हमें 90 डिग्री पे लेके नहीं करना, तो जो लोग 90 डिग्री पे करते हैं वो देखिए, अगर मैंने ये वाली चीज करी तो अगर आप देखोगे कि इसका नीचे का भी जो पोर्शन होगा वो गोल्डन हो जाएगा। अगर आपको पर्पसली वो चाहिए तो फिर ठीक है, ये रहा, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों जगह पे। अगर वो चाहिए तो ठीक है, ये मेरा एक लुक ही ऐसा आएगा, लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ नीचे मेरा रस्ट रहे लेकिन ऊपर जो आए वो मेरा गोल्डन आए। अगर आप ये डार्क बर्न नंबर पे करोगे तो बहुत सुंदर आता है। बर्न नंबर पे मैं भी एक बार देख के दिखाती हूँ किस तरह से आएगा। इसको 90 डिग्री नहीं करना, ऐसे लेटी पोजिशन में करना है और हल्के हाथ से ये कहीं कहीं ब्रश को स्लैंटिंग रखते हुए, ये देखिए खूबसूरती से डिजाइन को ये और जो भी आप ले रहे हैं तभी ऊपर ही ऊपर कलर आएगा, नीचे का ब्राउन नहीं जाएगा। मैं एक बार डार्क कलर पे भी करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है मेरा, अगर मैं ये ले रही हूं अगर जो ये वाली शेडिंग थी, इसके लिए आपको क्या करना है, ब्रश को सिर्फ रखना है और इस तरह से उठा दीजिए, बस। थोड़ा सा आप इस वाले हाथ पे करेंगे तो उधर से ब्रश आ रहा था, क्या चीज़, इस वाली तरफ को कर देंगे ना थोड़ा सा, हाँ तो अभी ब्रश, हाँ अच्छा, यहाँ रखना है ब्रश को, उठा दीजिए। एक चीज जो ध्यान रखनी है, सॉरी, एक चीज जो ध्यान रखनी है, कलर बहुत ज्यादा नहीं लेना। कलर ज्यादा लोगे तो वो फिलिंग जैसा इफेक्ट आएगा, कम कलर लोगे, ड्राई ब्रश लोगे तो इस तरह आएगा। इसी डार्क वाले पे आपको एक बार पोटली वाला भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने कॉटन के कपड़े की पोटली बनाई और ये इस पे करके दिखाती हूँ, शायद दिखाई दे, नहीं दिखाई दिया तो उस पे करूंगी। ये दिख रहा है आपको, हल्के हाथ से, वेरी ब्यूटीफुल, हल्के हाथ से। तो अब क्या होगा, जो मेरा नीचे टेक्सचर कलर है वो वही रहेगा, आप ये देखो, और आपका टेक्सचर और हाईलाइट होके आ गया है, दिखाई दे रहे मन से साफ। तो ये देखिए, ये आ गया। मान लो आपके पास ये लिक्विड वाला नहीं है और आपके पास ये डस्ट है, डस्ट इफेक्ट देना है, तो भी आपको क्या करना है कि ये कलर जब मेरा पूरी तरह ड्राई हो गया तो बहुत गीला नहीं हो लेकिन हल्का सा उसमें गीलापन हो, तो आपको क्या करना है, उसी पोटली से मैंने आपको सिखाया जैसे डस्ट लूंगी, कुछ ऐड नहीं कर रही हूं, एक्स्ट्रा निकाल दूंगी ताकि बहुत सारा ना आ जाए। और ये देखिए उसको डार्क साइड पे, किस पे बेटा, पीछे की तरफ दिखा दी, इधर देखो, हाँ अच्छा। आगे की तरफ लाइट आ रहा है, ओके ओके। अगर आपको हल्का देना है तो आप ये चीज दे सकते हो। इससे अगर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो और अगर आपको वहां दिखाई दे रही है, जो नीचे का मेरा डार्क कलर है उसे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो सिर्फ मेरे टेक्सचर पे हाईलाइट होके आ रहा है, यस, समझ आ रही है, दिखाई दे रहे मन से। तो ये रही मेरी छोटी सी पोटली, ऊपर से ही आपका सारा टेक्सचर आएगा। गलती हम लोग कहां करते हैं, अगर मैंने कलर एक तो ज्यादा लिया, वो चीज भी करके दिखाती हूँ, अगर मैंने कलर ज्यादा लिया 90% 90 डिग्री पे ले रही हूं, तो ये देखिए, ये फिर इसके साथ
नीचे का भी कलर चला जाएगा, नीचे का कलर चला गया, जो आपने बेस दिया था वो छुप वो खत्म हो गया, तो ये ब्यूटी नहीं आएगी। अब उसी चीज को, ऐसा नहीं है कि डस्ट के साथ आता है या उसके नहीं, करने के तरीके में हम गलती करते हैं। 90 डिग्री मत रखो, स्लांटिंग जैसे अभी बताया मानसी ने, ये देखिए अब वो चीज नहीं होगी। ये देखो ध्यान से, मानसी दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा बेस में कलर, आप कोई भी लगा रहे हो, ऊपर से ये आ गया हमारा इसके ऊपर। इसके ऊपर भी एक बार करके दिखाऊं क्या? यस फ्रेंड्स, इतनी शांति के साथ मत देखिए। हमें ऐसा लगता है कि शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आप लोगों को या क्या, आपके लाइक्स कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, अदरवाइज हमें लगेगा कि हम अपनी तरफ से कहीं चूक रहे हैं तो। अच्छा, अभी तक का क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ये वाला सेशन क्लियर होता जा रहा हूँ। बट फिर भी कोई भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो प्लीज प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस, ताकि हम आपको उस पर रिवर्ट कर सके। और मैंने वो बोला कि आपके क्वेश्चंस औरों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, सो प्लीज डू शेयर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। चलो अब मैं ये दिखा रही हूँ फिर से डस्ट के साथ, ये देखिए। थैंक यू प्याली फॉर लाइकिंग आवर वर्क। ये देखिए, कुछ भी और नहीं कर रही हूँ, डस्ट ले रही हूँ, 90 डिग्री पे नहीं रख रही हूँ, तो उससे अपने आप सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। थैंक यू श्री लक्ष्मी जी। दिखाई दे रहे मानसी? दिखाई, ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं लिक्विड के साथ कर रही हूँ, मानिए ये वाले पे करके दिखा रही हूँ, ये देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा, लेकिन ये इसमें कलर आ गया उसका, ब्राउन का ना, ब्लू का, सॉरी। इस पे हम किसी और कलर के संग कर लेंगे, सो आपको टेक्सचर ब्रश में था, टेक्सचर भी दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू श्वेता जी। पूरा कवर मत करो उसको, फिर तो वो जो नीचे बेस कलर किया है वो चला जाएगा। पर गोल्डन और ये जो है ना, ये ज्यादातर डार्क कलर पे अच्छा लगता है। ये हमारा लाइट कलर था ना, ये जैसे इस तरह के कलर हो गए या डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन पे भी जो आपको अभी सिखाया, कम कलर लो, एक्स्ट्रा को हटा दो और आपको बस रखना है और इस तरह से जाना है, खत्म। वेरियस टेक्सचर्स हैं, इनको यूज करते हुए आप नेम प्लेट्स कुछ भी बना सकते हो। दीज आर ऑल योर गिफ्ट आइडियाज, होम डेकोर, तो आप कहीं भी इनको यूज, म्यूरल आर्ट कहीं भी, नेम प्लेट्स या कुछ भी। तो पहले तो कि डिफरेंट टेक्सचर बनाने कैसे हैं, जैसे हमने जिस जो एक बनाया था, ये बनाया था, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना, पूरे वीडियोज वहां पे हैं, आप देख सकते हो। ये टेक्सचर कैसे दिए थे, ये राइज वाला या ये वाला, देखो इसको भी अगर मैं पोटली से करती हूँ ना तो बहुत अच्छा आएगा, मैं दिखाती हूँ। आप एक तरफ गोल्डन इफेक्ट देख सकते हैं, एक तरफ सिल्वर। ये देखिए कलर कौन सा लेना है वो आपकी चॉइस रहेगी। हाँ जी, डस्ट को जब आपका कलर सेमी ड्राई है बेस कलर, तो आप तब लेना पड़ेगा, या किसी मीडियम के साथ यूज करना पड़ेगा, वो आप चाहो तो वार्निश भी ले सकते हो, कुछ भी, तो तब वो टिकेगा नहीं, तो वो तो पाउडर है, उड़ जाएगा। ये आप कर सकते हो, और अगर आपके पास ये डस्ट नहीं है तो स्पेशली लेने की जरूरत नहीं है, लिक्विड के साथ भी उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए, थैंक यू सर, पूरे में सिल्वर है। और ये देखिए, अगर मैं ब्रश के साथ करना चाहती हूँ तो भी कर सकते हो, लेकिन हल्का सा मेरा गीला होना चाहिए। ये देखिए, आपको हम लोग टेक्निक सिखा सकते हैं, उसमें वेरिएशन आपको लानी होती है। अब आप इन चीजों को कहीं भी यूज कर सकते हो। ये देखो, एंड डू शेयर, आप जो जो क्रिएट करते हैं हमारी टीचिंग्स के साथ, कुछ लोग अच्छा डालते हैं, हमें भेजते हैं, अच्छा लगता है उससे कि एटलीस्ट हम कुछ हेल्प कर पाए। लेकिन कुछ लोग बहुत सच्चाई से कहते हैं कि हमें भेजते हैं पर्सनली, के वहां पे कोई भी बहुत जेन्युइन सा रीजन होता है जिसकी वजह से वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को हम कुछ सिखा पा रहे हैं और हमारे वीडियोस आप लोगों के काम आ रहे हैं। ये देखिए, मानसी उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी,
आप देख सकते हैं पहले हमने इस पे एक सिल्वर कलर के संग इफेक्ट दिखाया था, अब हमने इस पे चेंज कर दिया। अब कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, अब ये देखो और आप तीनों कलर्स को देख पाएंगे। थोड़ा सा और क्लोजअप दिखाइए, मैं दिखाती हूँ एक बार इधर भी हल्का सा। हाँ, सिर्फ हल्का ब्रश लीजिए, हल्का कलर लीजिए, उसके साथ कीजिए, बहुत सारा कलर मत लेना। फिर वो मतलब आपका ना सब कलर दिखने चाहिए, ब्लैक भी दिखना चाहिए, जो हल्का सा सिल्वर का दिया था वो भी दिखना चाहिए, गोल्डन भी दिखना चाहिए। इसी तरह जो ये वाला था इसके ऊपर भी मैंने बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है, 90 डिग्री पे नहीं रखना, अंदर फिल हो जाएगा, ऊपर करते हो तो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए आप जहां भी चाहते हो, किसी भी कलर को चाहते हो, इसके बाद आप इसको वार्निश करोगे ना तो वो सेट हो जाता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लुक भी एनहेंस हो जाती है उससे। बिल्कुल, थैंक यू लीना जी। एक बार आपको, हाँ जी मैं दिखाती हूँ कौन कौन से टेक्सचर्स हमने, एक ही वाला मैंने बताया बेस कैसे, शेडिंग कैसे, उसके बाद ये हल्का सा टेक्सचर कैसे देना है। कितनी बार भी आप करोगे, अगर आप कलर एक तो कंट्रोल में ले रहे हो, ये देखिए तो बिल्कुल रफ ब्रश की तरह करते हुए निकल जाइए। ये देखिए सिर्फ आपके टेक्सचर के ऊपर कलर आएगा, आपका टेक्सचर इसमें हाईलाइट होके आ रहा है और भी ज्यादा, वो अब डिपेंड करता है ये किस तरह से ब्रेक वाली चीज लेनी थी, उसके बाद आपको ये कैसे देना है वो भी मैंने आपको बताया, ये वाला भी आपको बताया। तो अभी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टेक्सचर ये हो गए, उसको कलर कैसे करना है, कैसे आपको गोल्डन या एंटीक लुक देना है वो भी आप समझ गए, किस तरह से आप इस तरह से छोटे छोटे से म्यूरल रेडी कर सकते हैं। ये हमने अपने घर के लिए की होल्डर रेडी किया है, तो ये आप लोगों को क्योंकि सिखाया था हमने अपने एक वीडियो में, तो उसको इस तरह से फिर हमने पीछे से हैंग करने के लिए नॉर्मल वो भी क्या किया बता देती हूँ, एक सेकंड। आप सारे टेक्सचर ये एमसी लेके मैंने उसको ऐसे यू शेप में इसके साथ थोड़ा सा फेविकोल लगा के फिक्स किया था, ये फिक्स हो गया, इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा, शिल्पकार या एमसील कुछ भी, कुछ भी। तो ये सारे वीडियोस आज हो गए फ्रेंड्स। एक दो बॉटल्स बंद ना, यहाँ बॉटल नहीं है, ये हमारे पास कुछ कांच की बॉटल्स रखी हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम पक्का हम इसके ऊपर कुछ अच्छा सा नया काम करेंगे, क्योंकि बॉटल आर्ट के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम करके दिखाएं, तो जरूर। हाँ, उसका भी एक और, एक और हमारे यहाँ ये जितने आर्ट हम सिखा रहे हैं ये तो वीडियोज वहाँ है, एक हमारा बहुत ही प्यारा आर्ट था मीनाकारी ग्लास पेंटिंग वाला, मीनाकारी नहीं प्रॉपर जो मीनाकारी हम बनाते हैं केमिकल्स के साथ वो, पर वो सेल हो गया, उसका वर्कशॉप हम लोग वहां पे डालने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम जो भी मैं पिक्चर लूंगी वो अभी मेरे पास मेरे वाले पीस की नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम जब हमने ज्वेलरी आर्ट डाला था तो बता के डाला था, क्योंकि मेरा ज्वेलरी आर्ट ब्लैक मार्बल पे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे सिखाना था तो सब लोग बोले कि व्हाइट मार्बल पे सीखना है, तो वो हमने गूगल से डिजाइन लिया था, तो फर्स्ट टाइम मुझे वो डाला था, लेकिन उसके बाद जितने भी वर्कशॉप हमारे हैं वो सारे डिजाइन जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं वो हमारी वर्कशॉप का काम है। तो इसी तरह मीनाकारी का भी पहली बार शायद हम लोग गूगल से लें या खुद बना के वो डाल पाए तो बात अलग है। तो मीनाकारी की हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वर्कशॉप अभी सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी पर्शियन और तंजोर और ज्वेलरी और श्रीनाथजी इनकी तो चली रही है, उसमें अगर किसी को एनरोल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। जो आज सीखा उसमें कोई भी डाउट आता है, डाउट तभी आएगा जब आप लोग करेंगे, तो प्लीज एक बार करिएगा ताकि जो भी डाउट हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। और ये ब्रिक वाला, ये टिश्यू पेपर के साथ, ये राइज एंड होम फॉइल के साथ, और ये आ गया हमारा थ्रेड के साथ बताया था, ये था बबल रैप के साथ, और ये था कॉम के साथ। तो ये सारे टेक्सचर कैसे देने वो आप अभी भी वहीं देख सकते हो, ताकि ये वीडियो भी हम वहीं पे डाल देंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा कर लो, तब तक के लिए आप लोग उस पे देख सकते हैं कि बनाना कैसे था, टेक्सचर कैसे था। आई होप कि आपको आज का हमारा ये काम पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो हमें जरूर लिखिएगा, बताइएगा, शेयर कीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा, ताकि हम अगली बार और भी नए काम के साथ आपके साथ आएंगे। कोई और अगर आप चीज ग्लास बॉटल की जगह अगर आप पोस्टर पे सीखना चाहते हैं या कुछ है, या हो सकता है एक एक करके दोनों को लें, तो जो भी होगा आप लोग हमें बताइएगा, तो हम उस काम के साथ आपके साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोग, ये पहले वाले सारे वीडियोज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी पर्शियन आर्ट को लेके है, तंजोर को लेके है, तो वो सारे वीडियोज यूट्यूब पे हैं, एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे। कोई और बात है जो आप हमसे करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं 9582858532। तो
थैंक यू सो मच. आजा मन से एक बार बाय तो कर ले. और वंदना भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, कैसा लग रहा है? इतना अच्छे से सिखाती है, बहुत ही पेशेंस के साथ, कि हर एक चीज मैं बहुत अच्छे से सीखती हूँ. वरना हमारे पास आई थी जब इनका बेबी 2 मंथ्स का था, तो हमने कहा अभी इतनी जल्दी नहीं है, आराम से अपना बेबी थोड़ा सा उसको बड़ा करो एंड देन आप जरूर ज्वाइन करना हमारी क्लासेस. मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं. मैम से मैंने सारा कुछ सीखा और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. और आप पर्शियन आर्ट भी सीख रहे हैं? पर्शियन आर्ट भी मैं सीख रही हूँ. मुझे कौन तक चलाना नहीं आता था, बट अब उठाते हैं. अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, कि आप लोग ना हमें ये कहते हैं कि आप लोग हमें कॉल करते हैं और हम आपको वर्कशॉप में लेते नहीं है. ऐसा नहीं है. जैसे आपने कभी भी मेरा कोई वीडियो देखा, मेरी क्लास में भी आपको 2 या 3 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं मिलते. क्योंकि अगर वंदना ने फर्स्ट डे आके कहा मैंने कभी कुछ किया नहीं, तो उनको उतनी मेहनत से काम करना पड़ता है क्योंकि खुद करना है. बस थोड़ा सा ही दिखा पाओगे, आड़ा करके गीला होगा ना. गीला है अभी ये इनका, अभी ट्री ऑफ लाइफ दिख रहा है मनसी? हाँ जी. तो अभी चल रहा है काम. आपको जरूर इसका हम कंप्लीटेड दिखाएंगे. हाँ, और तो इसी तरह हमारे वर्कशॉप में भी होता है. जैसे ही 5 लोगों का एनरोल हो जाता है, उसके बाद हम उस ग्रुप में नहीं लेते. 5 या मैक्सिमम होता है तो 6 लोग. तो जैसे ही वो हो जाता है तो वो ग्रुप खत्म हो जाता है. फिर तो उसके बाद आता है कि आप ले नहीं रहे. तो जब नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज आप लोग टाइम पे कर लिया कीजिए. तो अभी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पर्शियन आर्ट श्रीनाथ जी, तंजोर और ज्वेलरी आर्ट इनके लिए कर सकते हैं. और केरला म्यूरल के लिए भी 2-3 लोगों का और आ चुका है. तो उसके लिए देखते हैं, अगर ग्रुप रेडी होता है उसके बाद फिर देखते हैं नई कौन सी टेक्निक लेके आप लोगों के साथ आते हैं. तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच मानसी जी. लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. हेलो फ्रेंड्स, सो आप हमारा जो चैनल है AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस यूट्यूब पे, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए. और आपकी कोई भी क्यूरी होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. थोड़ा टेक्नो सेवी होने हैं हम लोग भी, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे. क्योंकि हमें लगता था अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो शायद आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से आई होप. और कुछ भी इसमें अपग्रेडेड सजेशन हो आपके तो वो भी शेयर करिएगा. बहुत अच्छा लगता है, आप में से बहुत सारे IT के स्टूडेंट हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि मैम इस चीज को इस तरह करिए तो आपका बहुत क्लियर नजर आएगा, आप इतना एफर्ट कर रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब स्टूडेंट्स का भी. और भी आपके पास जो भी अच्छे है, थोड़ा मैम पूरी फोर्स के संग बोलते हैं, फिर भी अगर किसी को लो वॉइस आता है तो उसके लिए आर सॉरी, बिकॉज एक थोड़ा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा मैटर कर जाता है. लेकिन आप लोगों के पास भी कोई भी अच्छे सजेशन है तो हमें दिया कीजिए, हम पक्का उसके ऊपर भी काम करेंगे. आप हमारे ये सारे टेक्सचर आर्ट्स देख सकते हैं और इसका मैंने लिंक भी वहाँ पे शेयर किया है कि ये बेस टेक्सचर्स कैसे दिए हमने, तो वो आप वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं. एंड आज हमने इसका कलर सेशन किया था, तो आई होप आप सबने ये एंजॉय किया. एंड वी विल कम बैक विथ मेनी मोर न्यू टेक्निक. सो जस्ट लाइकिंग एंड शेयरिंग AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस. थैंक यू. तो अभी बॉटल आर्ट या ग्लास में हम लोग कुछ नया, सिर्फ ग्लास पेंटिंग वाला नहीं, कुछ नया लेके आएंगे कोस्टर्स वगैरह के साथ. कोई अच्छे सजेशन हो, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, वो हमारे साथ शेयर करना, हम पक्का उसके साथ ही आएंगे. थैंक यू, बाय.